चास थाना में बकरीद के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से चास के SDPO, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चास थाना प्रभारी एवं सामाजिक संगठन के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने बकरीद पर्व को सौहार्दपूर्ण पूर्वक मनाने की बात कही, साथ ही साथ कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने को कहा। वहीं मौके पर चास SDPO ने शांतिपूर्वक से बकरीद मनाने को कहा और यह भी कहा कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन न हो, इसका ख्याल रखना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। DSP ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी, पुलिस गश्त भी अनवरत जारी रहेगी। बकरीद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। चास थाना परिसर में शांति समिति को लेकर के बैठक हुई है, आने वाला जो बकरीद पर्व है उसको लेकर के कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए सबको बताया गया है और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। सर, लोगों के द्वारा सर जाम वगैरह की भी समस्या आज की बैठक में, हाँ, ट्रैफिक को लेकर के कुछ समस्या थी, उसका हम लोग निराकरण का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिन जिन जो भी पॉइंट्स पर बताया गया है उस ट्रैफिक की समस्या, वहाँ अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। और सर, कुछ नया प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है सर कोविड को देखते हुए? हाँ, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जिसमें मुख्यतः नमाज वाला जो स्थल है वहाँ पर भीड़ नहीं लगाने को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है वो बता दिया गया है अभी शांति समिति की बैठक, और उसका अनुपालन करना चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।